नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। गोरखपुर जिले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्याम नरन यादव, जिला प्रमुख महासचिव व्रजनाथ मौर्य और गोरखपुर मंडल प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव व्रजनाथ मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस निकम्मी सरकार ने महंगाई कमर तोड़ दी है। और तो और, वर्तमान समय में घरेलू सामानों के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड दाल के दाम आसमान छू रहे हैं और डीजल पेट्रोल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आम आवाम और किसान किल्लत में जी रहे हैं। वहीं कोरोना काल में 2 दिन बंदी होने के कारण जनता के पेट खाली होने तथा जेब भी खाली होने से लोगों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। निवेदन है कि देश और प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई से जनता त्रस्त है। देश की जनता 2 वक्त की रोटी कमाने में लगी हुई है, वहीं कोरोना काल में 2 दिन की बंदी होने के कारण जनता का पेट खाली होने तथा जेब भी खाली होने से लोगों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस 2 दिवसीय बंदी को खत्म करके जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की समुचित व्यवस्था की जाए, जिसके मद्देनजर बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने तो देश व समाज हित में होगा। वर्तमान समय में घरेलू सामानों के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड दाल का दाम आसमान छू रहा है, डीजल और पेट्रोल बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आम आवाम किसान किल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर है। इसी के साथ किसान को समय से खाद बीज मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वर्तमान समय में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यापारी, अकलियत के लोग बढ़ती हुई महंगाई की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अतः करबद्ध निवेदन है कि बढ़ती हुई महंगाई जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने को भारत सरकार को निर्देशित करते हुए जनमानस को पर महती कृपा करें। R9 भारत के लिए सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट, गोरखपुर से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।